दरवाजा बंद करता ना अच्छा बेल्ट रोका दरवाजा बंद कर दो अरे पीछे हो ना सब सतेंद्र पीछे ना एकदम भूल हो गया नहीं नहीं एक अरे अंदर बैठा पीछे हो ना यार पूरा चलो पीछे सामने पूनम जी ब्रांडिंग कैमरा जी हां ब्रांडिंग का कैमरा में पूनम जी कैमरा यहां पे डाउन हो जाओ ना सतेंद्र घूम थोड़ा नीचे ले सतेंद्र सिलिंग किया था दैट डजंट मीन कि मुझे वही करना है राइट अभी आई एम वर्किंग हार्ड सो आई वांट पीपल टू सी दिस अरे सुन चलो फोटो खींच के लो ना तेरे लिए नहीं यार रोल 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 ठीक है राखी लगा लेना हट तो भाई कैमरा से Hi. Well, the journey of karma एक 18 साल की लड़की की कहानी है जहाँ पे मैं ये 18 साल की लड़की का किरदार निभा रही हूँ और मैं 18 साल इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं 26 साल की हूँ एक्चुअली 20 साल की सो जैसे कि कहानी का नाम है द जर्नी ऑफ कर्मा कर्मा की जर्नी उसकी अप्स एंड डाउन्स उसके लाइफ में जितने हर्डल्स उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में जितनी खुशियाँ बहुत कुछ है इस कहानी में बिन बाप की लड़की है स्लम्स में रहती है बहुत गरीब है उसके पास पढ़ने लिखने तक के पैसे नहीं हैं एंड किस तरीके से उसकी मॉम उसको आगे बढ़ाना चाहती है और चाहती कि यू नो इसकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाए एंड ये इतने कोई इतनी छोटी स्लम की लड़की और इतनी इसके लेकिन उसकी सोच इतनी अगर ज़्यादा बड़ी है उस पर पूरी निर्भर है ये कहानी जिस तरीके से शक्ति कपूर जी के बीच में एंट्री होती है एंड और उनकी स्लीज देर इज़ नो स्लीजीनेस वो बहुत पावर कपल है या इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लव स्टोरी आई वुड से शक्ति कपूर जी की और पूनम पांडे की आई वुड से दैट या Um,
of course aap bahut zyada relate, I mean I do relate myself with this character because like I mentioned before, everybody about me, they all know, you know, that oh, we know Punam Panday because she posts sexy pictures on Instagram and bahut sare likes aur comments milte hain uske piche pe, ya to YouTube video ke liye famous, you know, some stuff that I've done in my life, but bahut hi kam logo ko pata hai that that I've done a lot of hard work to reach where I have reached today. So definitely I do relate myself with the character. Yes, I do relate myself with the character. Film kis tarah se mili aapko, isko bata sakte hain, aur is film ko choose karne ke piche kuch khaas reason, kyunki har ek cheez mein jab hum kuch bhi choose karte hain ek khaas reason hai uske piche, kya khaas reason hai? Well, ye film actually I remember I know them from before, and I think ye log audition le rahe the और भी एक्टर्स का और दे वर थिंकिंग कि ये रोल में कौन फिट बैठेगी एंड एंड आई हैपन टू मीट देम एंड दे वर लाइक व्हाई वी डिडंट थॉट अबाउट पूनम सो हाफ ऑफ देम सेड पूनम फॉर 18 ईयर ओल्ड कैरेक्टर और इसमें एक्टिंग बहुत स्ट्रांग है आई डोंट नो इफ शी वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ तो ये मुझे न्यूज़ मिल रही थी उनसे सुनने में दे वर एक्चुअली सेइंग दिस लाइक नो शी इज़ गुड फॉर द हॉट एंड बोल्ड सेक्सी सीन्स बट आई थिंक इतना ज़्यादा एक्टिंग या दे मतलब पहले ही उन्होंने एक हाँ पहले ही एक दिमाग में बना लिया कि कोई ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करता तो वो ऐसे होगा एंड नो बडी हैज़ दिस आइडिया दैट आई हैव डन माई भरतनाट्यम आई हैव डन माई डांसिंग आई हैव डन माई एक्टिंग आई हैव लिटरली कम्प्लीटेड ऑल माई कोर्सेज एंड when they auditioned me when they did my look test they were in shock they were like we did not see Punam Panday so they were more happier than me and that's how it started oh 100% maine isme na I have put too much more mehnat on my acting part because ये तो ठीक है यार हम पिक्चर्स पोस्ट करते हैं वट एवर दैट्स माई पर्सनल लाइफ बिकॉज मेरे फैंस को अच्छा लगता है दे लाइक इट इफ आई पोस्ट दोस काइंड ऑफ पिक्चर्स सो आई डू इट फॉर देम और वैसे भी मैंने अभी तक कोई न्यूड पिक्चर पोस्ट नहीं की है कभी भी नहीं किया और मैं कभी नहीं करूँगी बिकॉज देर इज़ ऑलवेज अ थिन एक लाइन होती है जो आई डोंट वांट टू क्रॉस दैट सो बट अपार्ट फ्रॉम दोस पिक्चर्स आई वॉन्टेड देम टू ऑल्सो सी माई वर्क कि प्लीज़ आप मेरा काम देखिए और अब फिर मुझे जज कीजिए या एक आर्टिकल में पढ़ रहा था उसमें ये मेंशन था कि शक्ति कपूर के साथ में काम करते वक्त आप ओवर डेवलप फील नहीं करते इस बात पे कितना फैक्ट वो जो आर्टिकल आपने पढ़ा बहुत लोगों ने उसको मिस किया है व्हाट आई मेंट वाज आई वाज अनकंफर्टेबल यस व्हेन वी वर डूइंग किसिंग सीन्स डू यू एक्सपेक्ट मी टू बी कंफर्टेबल नो ही वाज आल्सो अनकंफर्टेबल सो यस वी वर बट but theek hai, I mean it happened na? The film is made and everything went well so yeah we just completed iske sath mein bahut zyada clash ho rahi hai Saif Ali Khan ki kitna competition aati hai are bilkul bhi nahi sir main khud Saif Ali Khan ki bahut badi fan hu I definitely don't see any clashes like that if they want to watch him I would go and watch his film I love him so I would put it that way yeah perfect love story jaise ki isme mention hai poster mein perfect love story aapke sabse kya hai love story perfect hoti hai kitne jhagde hote hain I think single rehna chahiye मेरे मॉम डैड जैसे दे साल से उनको साथ में अभी भी देख रही सुबह 6 बजे उठ के भी न्यूज़पेपर पढ़ते उतनी प्यार से रहते सर हाउ इज़ इट पॉसिबल सर इज़ इट पॉसिबल डू यू कैन यू गेट अ गाय लाइक दैट इन रियल लाइफ नो यस यू कैन या दैट इज One of the songs मैंने अपनी mom dad को अभी तक नहीं दिखाया है बिकॉज आई डोंट नो हाउ दे गोना रिस्पॉन्ड टू इट या आई हैव गॉट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी ऑल द सॉन्ग्स द ट्रेलर एंड एवरी थिंग सो
I just hope, fingers crossed, that already kafi sare theaters house full hain. So I'm just hoping that people should love the film now. Yeah. Of course I support it. I 100% support it. It's a very serious thing that has happened. I wasn't expecting this to happen because itna zyada hota, you know, people, there are so many stories in there, nobody, okay, let me say this, people know what's happening, people are aware, there are a couple of things that happens in all the pastry parties, everybody is smart, everybody knows, they all know everything, but they don't want to come up and speak about it. So, in a certain way, I would say that I'm glad it's happening, because most of the stories, not all of them, most of the stories I found, I think it's believable. So I'm going to support it as a girl, yes, being a girl, yes. मेरे साथ हम स्टार्ट में हुआ था व्हेन आई एंटर्ड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री या यू नो आप उस दौरान मॉडल कोऑर्डिनेटर से मिलते हो एंड ऑल दैट सो आई रिमेंबर आई मेट दिस वन मॉडल कोऑर्डिनेटर एंड बिफोर माय किंगफिश आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस लाइक या सो यू नो व्हाट इन मॉडल आपको ये करना पड़ता है एंड यू हैव टू डू दिस यू हैव टू डू दैट And I was in shock because I was, what, 19-year-old then? And I don't know, I was like, how did he just said that? And I remember even then, maine bade pyar se us maashe ko bolta, unka naam nahi lungi. No, no, he's just a model coordinator, not a famous guy. So, and I forgot his name right now, to be honest with you. But I remember I told him, you know, that police station 5 minutes door hai, let's go for a walk. He freaked out and he left. So that's the only thing that happened. But then I understood that it happens. Agar ye mere sath shuruaati daur mein hua tha, so it's very obvious that it happens. So that is the reason probably I find it a bit believable when somebody is saying it. Yeah. Whom are you talking about? Okay. Well, probably she must be going through something, you know, that it's like everybody is after her and she's a normal person. If I would have been at her place, I would have probably done the same thing. So I would think in that way, ki jab aap ekdam se itna zyada aapke piche pure ke pure log aa jate hain aur sabhi ko janna hai ki kya ho raha hai kya nahi. So probably you know, she wants to avoid that. I would rather put it that way, yeah. Filhal to main the journey of karma celebrate kar rahi hun. Diwali ke plans, yaar, I'm a very normal person. I celebrated with my family most of the time. Main pandit ghar se hun, to mere ghar pe lakshmi puja, sabhi ke ghar pe hoti normally, but mere ghar pe मुझे मॉम मेड खाना मिल जाता है सब कुछ आई गेट सभी के घर पे या आई एम जस्ट हैप्पी आई एम जस्ट एक्साइटेड वेल हाय दिस इज पूनम पांडे और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं थैंक यू